Hello and welcome to Maluka IAS. Today is the 26th of July and from today the Olympics is going to begin. ये बहुत बड़ा event है सबके लिए और हम सारे के सारे at the end of the day इसको बहुत closely follow करेंगे. अच्छा ये Olympics की जो पूरी की पूरा event है इसको oversee कौन करता है और यहाँ पे कौन लोग बैठते हैं, क्या कोई Indian यहाँ पे है कि नहीं है. तो हाल ही में नीता अंबानी हैज बीन री इलेक्टेड यूनैनिमसली एज अ पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी. व्हाट डज दिस मीन फॉर इंडिया एंड इंडियाज इमेज इन द ग्लोब, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे. बट बिफोर दैट आई लाइक टू फर्स्ट टॉक अबाउट अ वेरी वेरी नाइस इनिशिएटिव बाय मलूका आईएएस which is our Shakti batch for all the UPSC aspirants, primarily for those jinhone prelims ka exam dena hai 2025 mein. In the Shakti batch, hum log aapki comprehensive padhai karayenge GS ke sare subjects, foundation se leke advanced level tak, in both English as well as Hindi. जहाँ पे हर रोज आपकी एक घंटे की एनसीईआरटी की क्लास और ढाई घंटे की जीएस की क्लास होगी by our top mentors and that too at a very very affordable cost. So do not waste this golden opportunity and join Maluka IAS today. Our batches are going to start on the 29th of July 2024. For more details you can call us on our official number or visit any of our offline centers and we'll be happy to assist you. Chaliye aaiye ab baat karte hain ki kaise ye Ambani parivar इंडिया की इमेज वर्ल्ड में चेंज कर रहा है. दिस पर्टिकुलर न्यूज इज नॉट अबाउट द वेडिंग, इट इज अबाउट नीता अंबानी बीइंग री इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी एंड दैट टू यूनैनिमसली इलेक्टेड. हर एक मेंबर ने उनको दोबारा से री इलेक्ट करने की सहमति दी है. ये चीज हमारे देश के लिए बहुत बड़ी न्यूज है. ये न्यूज इस वजह से है बिकॉज दिस इंक्रीजेस इंडियाज सॉफ्ट पावर. पर ये इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी होती क्या है और इसका काम क्या है और ये है कहां पे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है. तो चलिए आइए लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ इट, राइट. सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, नीता अंबानी शी इज बीन री इलेक्टेड एज अ मेंबर यूनैनिमसली इन द इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी at the 142nd session held in Paris, right? Paris mein hi Olympics ho rahi hai, wahin pe inka session hua, wahin pe unko unanimously elect kiya gaya. Acha, ye International Olympic Committee bani kab thi? So it was made in 1894 by Pierre de Corbetin in Paris, France. The headquarters are in Lausanne, Switzerland. Aur inka kaam kya hota hai? They are basically the karta dhartas, the basic organizers of the entire Olympic event. Chahe wo Winter Olympics ho, chahe wo Summer Olympics ho. Jaise abhi Summer Olympics hone ho raha hai aaj se shuru, 26 July se, right? So ye pura ka pura event ka pura organization yahi particular committee karvati hai. और यहाँ पे जो मेंबर्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं और होने भी चाहिए बिकॉज दिस पर्टिकुलर इवेंट इज नॉट फॉर वन कंट्री और अनदर कंट्री, दिस इज अ ह्यूज इवेंट फॉर द एंटायर वर्ल्ड, राइट. सो इंक्लूसिविटी को प्रमोट करने के लिए, ओलंपिक स्पिरिट को इम्प्लोर करने के लिए ये पर्टिकुलर कमिटी बनाई गई है. स्पोर्ट्समैनशिप, ये शब्द हम बहुत बार देखते हैं और हमसे ये कहा भी जाता है जब हम किसी इवेंट पे कोई कंपटीशन में अगर हार जाते हैं और मुंह फुला के बैठ जाते हैं तो हम बोलते हैं बी अ स्पोर्ट्समैन. स्पोर्ट्समैनशिप इज व्हाट द ओलंपिक स्टैंड्स फॉर. जहां पे ये नहीं देखा जाता कि मेरी कंट्री की लड़ाई तुम्हारी कंट्री के साथ चल रही है या तुम्हारे कंट्री ने मेरे कंट्री को कुछ गलत बोला, नहीं. दिस इज स्पोर्ट्स, दिस इज इक्वल फॉर ऑल एंड इट एडमिट्स एवरी वन एंड दैट इज व्हाट इज द स्पिरिट ऑफ द ओलंपिक्स. अगर हम बात करें रिप्रेजेंटेशन की तो डाइवर्सिटी एंड रिप्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा जरूरी है इस पर्टिकुलर कमिटी में, क्योंकि इस वजह से एक इंडिविजुअल, एक स्पोर्ट्समैन, एक टीम स्पोर्ट्स को और ज्यादा अहमियत मिलती है एट द वर्ल्ड प्लेटफॉर्म. नोबडी विल फॉरगेट द नेम अभिनव बिंद्रा
because he brought us the individual gold medal for India for the very first time. Nobody will forget the name KD Jadhav, who was the first to earn a medal, who was an Indian at the Olympics. So, ये अहमियत होती है, इतनी ज्यादा अहमियत है कि इस साल तो फीफा ने भी बोल दिया कि 100 साल पहले एक समर का ओलंपिक्स पेरिस में ही हुआ था, जिसमें सबसे पहली बार इंटरनेशनल फुटबॉल का टूर्नामेंट हुआ था, जिस वजह से 25 मई को अब से वर्ल्ड फुटबॉल डे माना जाएगा. स्पोर्ट्स ब्रिंग्स अस टुगेदर. हम और कोई क्रिकेट मैच देखे ना देखे, इंडिया पाकिस्तान का जरूर देखते हैं और मन लगा के देखते हैं. ये अगर स्पोर्ट्समैनशिप नहीं है तो क्या है? सो इसी वजह से ओलंपिक्स जैसे इवेंट में डाइवर्सिटी इन द कमिटी दैट इज टेकिंग केयर ऑफ इट बहुत जरूरी है, ताकि किसी एक को प्रेफरेंस ज्यादा या किसी एक को कम ना मिले. सो दैट इज वॉट नीता अंबानी इज रिप्रेजेंटिंग फॉर अस. शी बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमन टू बी अ मेंबर ऑफ दिस पर्टिकुलर कमिटी, which not only brings India at a global platform, but it also says that India is all for women empowerment. Secondly, global recognition. अब ये तो है कि नीता अंबानी जब बने हैं ये member दोबारा से, तो ये भी India के लिए एक बहुत बेहतरीन बात है. But केवल उनकी वजह से नहीं, हमारे बहुत सारे sportsmen in the past, साइना नेहवाल से लेके KD जाधव, अभिनव बिंद्रा, ऑल ऑफ देम टुगेदर एज वेल एज नीता अंबानी हैज ब्रॉट इंडिया इन फ्रंट ऑफ द इंटायर वर्ल्ड, वेयर आर इंटायर इमेज इज चेंजिंग. नो लॉन्गर आर वी ओनली लुक्ड एट पीपल हु कम फ्रॉम द लैंड ऑफ स्पाइसेस, हु बिलीव इन स्नेक चार्मर्स और सुपरस्टिशंस. यस, वी हैव गॉन बियॉन्ड दैट एंड हमारा ग्लोबल इमेज और बेहतरीन हो रहा है इस पर्टिकुलर इलेक्शन के वजह से. एंड प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स, माइंड यू, सुपर इम्पॉर्टेंट. अब क्या होता था कि हमारे स्कूल्स में जब हम स्पोर्ट्स बहुत अच्छा करते होते थे, पर याद है जब बोर्ड एग्जामिनेशन का टाइम आता था 11, 12 स्टैंडर्ड में, तो हमारे टीचर्स ही क्या, हमारे पेरेंट्स, नॉट दैट दे हेटेड अस, बट ऐसी कंडीशनिंग थी कि वो हमें बोलते थे कि अरे बच्चे अभी स्पोर्ट्स वगैरह छोड़ो, अभी बोर्ड एग्जामिनेशन के ऊपर फोकस करो. अरे आज की डेट पे तो स्पोर्ट्स का कोटा बहुत बढ़िया माना जाता है, और कुछ नहीं तो स्पोर्ट्स इज वन वे टू नॉट ओनली बी फिजिकली फिट बट ऑल्सो बी मेंटली एबल. सो दिस इज समथिंग विच शुड बी इनकलकेटेड एवरीवेयर. फिट इंडिया प्रोग्राम यही चीज को आगे लेकर जा रहा है. पीपल लाइक PT उषा, हु आर नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, भी इसी के बीकन है, दैट एवरीवन इन इंडिया कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स के अंदर अच्छा इनको करना चाहिए, राइट? सो इन्फ्लुएंस एंड नेटवर्किंग भी हमारी बहुत ज्यादा बढ़ेगी इस पर्टिकुलर इलेक्शन की वजह से. ब्रांड एसोसिएशन भी बहुत ज्यादा होगा, जहां पे नीता अंबानी को अब केवल रिलायंस के साथ एसोसिएट नहीं किया जाएगा, इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी के साथ भी किया जाएगा. एंड फाइनली इट विल हैव a huge impact on the policies that are being made, because an Indian representative will be talking about India on the global platform as well as about Indian athletes, not only outside India but also within our country, right? So overall ye particular election hamare desh ke liye ek bahut zyada positive impact chhod ke jayegi. And with this I would like to talk about the upcoming Paris Olympics, which I hope and pray कि आप करिए अपनी पढ़ाई, बिल्कुल करिए, लेकिन इसके बारे में भी थोड़ा सा पढ़िएगा जरूर, क्योंकि ये हमारे लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए एक बहुत बड़ा इवेंट है. So like I said, the dates are 26th of July to the 11th of August, right? It is going to be held in Paris. In fact, 100 साल पहले 1924 में भी समर ओलंपिक्स पेरिस में ही हुए थे, राइट? एंड वेन्यू पेरिस भी रहेगा, और आगे पीछे बहुत सारे और फ्रांस की सिटीज भी रहेंगी, राइट? एंड हमारे लिए ये बहुत बड़ा इवेंट है. इनफैक्ट हमारी 75th रिपब्लिक डे परेड में भी हमने फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन को ही बुलाया था, तो कहीं ना कहीं हमारी रिलेशन विद दिस कंट्री इज ऑल्सो गोइंग टू बी ऑन अ ग्लोबल प्लेटफॉर्म थ्रू दिस पर्टिकुलर इवेंट.
अच्छा, इस इवेंट को करने के लिए फ्रांस ने बहुत सारे चेंजेस, बहुत सारी पॉलिसीज भी बनाई, जैसे कि डिजिटल शेंगेन वीजा भी बनाया, नॉट फॉर द स्पेक्टेटर्स बट फॉर द एथलीट्स एंड देयर कोचेस एंड पीपल हु आर विद देम फॉर देयर ईज ऑफ मूवमेंट थ्रू आउट द शेंगेन कंट्रीज. अगर शेंगेन नहीं पता तो वो कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जहां पे बॉर्डर रिस्ट्रिक्शंस बिल्कुल भी नहीं होती. और नहीं, ये यूरोपियन यूनियन की मैं बात नहीं कर रही हूं, राइट. शेंगेन जोन में कुछ यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज भी हैं, कुछ नॉन यूरोपियन यूनियन कंट्रीज भी हैं, लेकिन फ्रांस जरूर उसका पार्ट है. एंड इस वजह से फॉर ईज ऑफ मूवमेंट फॉर ऑल ऑफ दीज एथलीट्स एंड देयर कोचेज एंड एक्रेडिटेड जर्नलिस्ट हैज बीन प्रोवाइडेड बाय फ्रांस, राइट. एंड नॉट ओनली दैट, दे आर ऑल्सो बिलीविंग दैट दिस पर्टिकुलर इवेंट विल बी सस्टेनेबल, इट विल बी गुड फॉर द एनवायरमेंट एज वेल. वो तो देख के ही पता चलेगा. सो लेट्स सिट टुगेदर एंड वॉच दिस वंडरफुल इवेंट अनफर्लिंग एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ आर इंडियन कंटिंजेंट हु आर गोइंग टू आई एम श्योर मेक इंडिया प्राउड. सो विद दैट आई वुड लाइक टू एंड द वीडियो with two very, very important announcements. The very first one is a test series that has been introduced by Maluka IAS. ये उन UPSC aspirants के लिए है जो 2025 में prelims का paper देंगे. अगर आप ढूंढ रहे हैं कोई ऐसी टेस्ट सीरीज जो UPSC के pattern से बिल्कुल aligned है, so look no further and join Maluka today, where we don't just give you a test which is aligned with the UPSC pattern. We will also give you test discussions which will be done by our top mentors along with mentorship sessions at a very, very affordable cost. So, agar aap chahte hain ki ye 64 tests jo ki bilkul hi aapke UPSC pattern ke saath aligned hai, to please call us on our official number or visit any of our offline centers. And agar aap chahe to hum aapko demo questions bhi provide kar sakte hain. Finally, to the point, monthly current affairs is another initiative by Maluka IAS to make your current affairs and your UPSC preparation a little easier. This too is given to you at a very, very affordable cost in both English as well as Hindi. So don't waste this opportunity and realize your potential with Maluka IAS. Thank you very much.